कबीरधाम जिले में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र अपने स्कूल भवन और छात्रावास में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे और उन्होंने स्कूल भवन और छात्रावास से संबंधित समस्याओं का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें जल्द से जल्द दूर किए जाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही समय अवधि में ज्ञापन में दिए गए समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अपनी समस्या लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे छात्रों की माने तो एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल तरे गाँव में वर्तमान में 420 छात्र अध्ययनरत हैं, लेकिन वहां उनके लिहाज से सुविधाएं बहुत ही कम हैं। आवश्यक संसाधनों की कमी है, स्कूल भवन काफी जर्जर हो गया है, स्कूल में शौचालय की स्थिति भी काफी दयनीय है, अधिकांश बाथरूम बंद हैं और उसमें गंदगी है और बिजली पानी की समस्या है, रसोईया लापरवाह है और समय से पहले चले जाते हैं। स्कूल में लैब है लेकिन प्रैक्टिकल के लिए आवश्यक सामग्री नहीं है, स्कूल में नर्स है लेकिन बीमार हुए तो यहाँ दवाइयाँ नहीं है, खेल का मैदान है लेकिन खेल की सामग्री नहीं है, पुस्तकालय है लेकिन पाठ्य सामग्री नहीं है। अनेक समस्याओं से अवगत कराते हुए एकलव्य आवासीय स्कूल तेरे गांव के बच्चों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि उनकी समस्या का निराकरण जल्द नहीं हुआ तो वह नेशनल हाईवे को जाम कर उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं छात्रों की शिकायत पर प्रशासन की ओर से अपर कलेक्टर ने उन्हें बहुत जल्द ही उनकी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया है। क्या है मामला बाउंड्री वॉल और कपड़े को लेकर? बाउंड्री वॉल के लिए मुख्यमंत्री जब डॉक्टर रमन सिंह जी थे तब घोषणा भी कर चुके थे और राशि स्वीकृत भी हो गई 1 करोड़ रुपए, फिर भी अभी तक बाउंड्री वॉल नहीं बना है। कोई भी आ रहा है घुस जा रहा है हॉस्टल में, ना गेट कीपर है ना कोई। अच्छा सर, इसलिए हम चाहते हैं कि बाउंड्री वॉल जल्द से जल्द बने, जब राशि स्वीकृत हो गई और घोषणा भी की गई है तो बनना चाहिए। और सर ड्रेस की मांग, तो ड्रेस के लिए पिछले साल भी बोले, पिछले साल का ड्रेस नहीं मिला है जिसके लिए बोले थे हम प्रिंसिपल सर से, तो सर बोल दिए कि आप कलेक्टर सर के पास जाओ या पीएससी सर के पास, नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे हॉस्टल में बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे हम बहुत परेशान हैं हम, और कई बार प्राचार्य सर को भी और एसी सर को भी सूचित कर चुके हैं, फिर भी हमारा समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हो पा रहा है, जिसमें खेल सामग्री खुद से खरीदे हैं और नेट फटी हुई मच्छरदानी से बनाए हैं। प्रिंसिपल सर देखते हैं फिर भी कुछ करते नहीं हैं, और यहाँ सर वो एकलव्य विद्यालय केवल एसटी बच्चों के लिए है जिसमें एससी बच्चे को भी पढ़ाया जा रहा है, ये प्रिंसिपल सर की मनमानी है। भाई वेटिंग में था, जो बच्चे वेटिंग में थे उन्हें लेना चाहिए, उन्हें लेने के बजाय सर एससी बच्चों को ले रहे हैं। और खाना सर, खाना में कर्मचारी जो खाना बनाने वाले कर्मचारी हैं वो आते नहीं, और आते भी हैं तो जल्दबाजी में बना कर चले जाते हैं, जिससे बच्चों को सर दर्द, पेट दर्द और तबीयत खराब जैसे कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तो पहले 21 मांगे सर जो कि पूरी नहीं हुई अभी तक, हमको रोक कर रखा गया था कि अभी आपका काम हो रहा है, आप नम 26 से तब से दिख रहे हैं, लेकिन कुछ सुधार नहीं है। हॉस्टल में सर का बहुत तकलीफ जाता है, हमको रहने खाने की भी बहुत समस्या है और पूरा हॉस्टल जर्जर हो चुका है, जिससे कुछ बच्चे को चोटें भी आई थी, उनका सर फूट गया था जर्जर होने के कारण, इसलिए उसमें मरम्मत की बहुत ज़रूरत है सर। और पंखा भी नहीं है वहाँ पर, बहुत तकलीफ जाता है वहाँ पर, बिगड़े हुए पंखा को खुद से बनाकर हम लोग वहाँ पर रहते हैं और अध्ययन करते हैं। तरेगाँव आवासी एकलव्य आवासीय विद्यालय के बच्चे छात्रावास की कुछ समस्याओं के संबंध में यहाँ पर आए थे, उनका कहना है कि वहाँ पर खेल सामग्री वगैरह नहीं है, साथ ही छतों से पानी टपक रहा है, पीने की पानी भी नहीं आ रही है, तो उसके संबंध में मैंने एसी ट्राइबल को निर्देश दिया है कि कल स्वयं हॉस्टल में जाकर निरीक्षण करें, साथ ही साथ एसडीएम बोर्डला को भी मैंने निर्देशित किया है और दोनों कल जाकर उनकी समस्या का निराकरण करें। सर ड्रेस को भी लेकर, पिछले साल भी ड्रेस नहीं मिला था, इस साल भी जो मिला है उसमें साइज को लेकर भी कुछ बातें कर रहे हैं और रसोईया भी नहीं आते खाने बनाने के लिए, इस बातों को लेकर? नहीं, ऐसा तो ड्रेस के संबंध में उन्होंने नहीं कहा, लेकिन रसोईया के बारे में जरूर कहा कि वो टाइम पे नहीं आता है, कभी भी चला जाता है। भवन को लेकर भी बात हो रही थी कि भवन जर्जर हो चुका है, जैसे बाउंड्री वॉल वगैरह के लिए 1 करोड़ रुपये जारी भी हुआ है घर पे। भवन और उसके लिए यदि आवंटन आया होगा तो उसका निर्माण तो होगा, लेकिन अभी बजट के संबंध में मेरे को उसकी जानकारी नहीं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए संजू गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी
खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सीजी स्वराज।